अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। आज जो है मेरे घर पे है दावत और मैंने सबको इनवाइट किया हुआ है, बहन भाइयों को सबको इनवाइट किया हुआ है अपने। तो देखें वो लोग कब आते हैं, वेट कर रहे हैं, सारा दिन से बिजी थे, कुकिंग में लगे हुए थे। सो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग हो जाए, जो भी मैंने बनाया है, जो कुकिंग की है, और वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या क्या मैंने बनाया है। और सोचा ये था कि जो भी बनाऊंगी तो उसकी मैं वीडियो ज़रूर रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन ये कि टाइम जो है वो इतना शॉर्ट था और मेरे पास कोई दूसरा बंदा वीडियो बनाने के लिए नहीं था, तो इस वजह से जो है बस काम में बिजी रहे हम लोग। बहन भाइयों को बुलाया, इनवाइट किया है, ईद की वजह से दावत है, तो आज मैंने अपने घर इन्वाइट किया हुआ है। तो जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊँगी, मिल पाऊँगी सबसे, मेरे साथ रहिए। भाई जो हैं वो आए हुए हैं, वो भी जाने वाले हैं दुबई, तो सोचा क्यों ना बुला लूँ, कल उनकी फ़्लाइट थी, तो सब आएंगे आज। तो आज का व्लॉग जो है वो फैमिली व्लॉग होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। गर्मी भी बहुत थी तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी मैंने कुकिंग जो है अपने स्टार्ट कर दी थी। नबिया मेरे साथ थी, उसने भी काफ़ी हेल्प करवाई है, वो कुछ चीज़ें उसने भी बनाई हैं तो वो भी दिखाऊंगी। और गर्मी में जो है किचन में काम करना औरतों के लिए वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि करना तो पड़ता है, सारे दावत करनी है, सबको इनवाइट करना है। तो इस वक्त जो है बाजी जो हैं आ गई हैं, नबिया जो है वो एक दिन पहले आ गई थी, उससे भी मिलवाती हूँ, बाजी से भी मिलवाती हूँ। तो बाजी ने आज ये बहुत अच्छा काम किया है कि वो पहले आ गई हैं। तो ये जो है देखें, ये बाजी आ चुकी हैं, इन्होंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, लेकिन सारा काम जो है वो नबिया और मैंने कर लिया था। और ये है नबिया। अस्सलामुअलैकुम। तो आज ईद की वजह से सब जमा होंगे और भी सब आने वाले हैं, तो बहनें जो हैं वो पहले आ गई हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे शदीद बारिश शुरू हो गई है, अब देखें कि तमाम गेस्ट जो हैं वो किस तरह पहुँचते हैं, क्या होता है। बारिश तो बहुत तेज स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, और क्या होगा अब देखते। बाजी को जो है हमने सैलेड बनाने पे लगा दिया इस बार, क्योंकि सैलेड रह गया था और वो भी याद है कि वो भी ज़रूरी है, तो इस बार जो है बाजी सैलेड बना रही हैं। देखें कितना फ़ायदा होता है बहनों से, एक सैलेड बना रही है तो एक वाह। नबिया ने दम का कीमा बनाया, इस वक्त जो है ये पुलाव बिरयानी का मसाला जो है मैंने रेडी कर लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें राइस जो है वो डाल दिए जाए। अच्छा, ये मैंने जो है क्रीमी मशरूम पास्ता जो है वो सोचा आज बहुत कुछ डिफरेंट हो जाएगा, सब जो है वो गोश्त खा खा के जो है वैसे ही तंग हो गए हैं बकरीद की वजह से, बहुत दिल भर गया है सबका, तो इस वजह से मैंने क्रीमी मशरूम पास्ता जो है वो बनाया है। उसका ये वाइट सॉस मैंने तैयार कर लिया है, मैक्रोनी बॉईल कर ली है, तो उसी वक्त जो है अभी हम इसको रेडी करके आपको दिखाएँगे। ना पुलाव है ना बिरयानी है, ये दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट करके जो है वो बनाए जाए राइस। अब टाइम जो है इतना नहीं है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना सब कुछ रेडी कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो अब देखें इसमें जो है वो क्या फाइनल क्या लुक आती है और कैसा बनता है, ये तो खा के ही सब बताएंगे कैसा बनता है, लेकिन ये है कि अब मैंने सोचा टाइम हो गया है, आने वाले हैं सब, तो अब रेडी किया जाए। ये है पुलाव बिरयानी, कभी ना कभी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी। कुछ मैंने सबसे पूछा क्या बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ या बिरयानी, आधे लोगों ने कहा पुलाव, आधे लोगों ने कहा बिरयानी। तो मैंने पुलाव बिरयानी बना ली, ना ये पुलाव ना बिरयानी, ये मिक्स है कुछ।
लेते हैं। अब चावलों पे दम लगा रही हूँ ताकि ये 10-15 मिनट में रेडी हो जाएं। तो ये है मिक्स करना। ये है आरएस, ये मेरे भांजे हैं, भाई के बेटे हैं, भतीजे हैं, सॉरी भाई के बेटे हैं। और इन सब की आज दावत है। आप बताएं, हेलो तो करें। हेलो कहाँ है ये भी बताएं। आपके घर पर। मैं कौन हूँ? अच्छी अप्पू। मैं इनकी फूफा हूँ, ये मुझे अच्छी अप्पू बोलते हैं। सारे बच्चे कोई अच्छी अप्पू बोलता है, और नरगिस मामा, कोई नरगिस मामा भी बोलता है। और कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है आपको यहाँ पे। दुबई अच्छा है, पाकिस्तान? पाकिस्तान अच्छा है। अच्छा, चलो बस खाना लगा रहे हैं आप, ठीक है? ठीक है। हाय, क्या अलीदा का क्या है यहाँ पे फेवरेट? कुछ फेवरेट है, क्रीमी मशरूम पास्ता। ये है उमर। उमर का फेवरेट क्या है? अरे पिज़्ज़ा खा रहे ये है मैंगो डिलाइट, ये है खीर, ये दो मीठे हैं। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ तमाम चीज़ों से, सब खाने से, सब अभी गए हैं। और अब मुझे अपने ब्लॉग को एंड करने का जो है टाइम मिला है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।